नरवर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सफाई कर्मचारियों ने वेतन न मिलने से काम बंद कर दिया है। सफाई कर्मियों का कहना है कि उन्हें पिछले 5 महीने से वेतन नहीं मिला है। उन्होंने आगे कहा कि अस्पताल में 2 पुरुष और 3 महिलाएं सफाई का कार्य करती हैं और उनका वेतन भुगतान ठेकेदार करता है। सफाई कर्मियों का कहना है कि ठेकेदार को वे कई बार फोन लगा चुके हैं। इसके अलावा कई संबंधित अधिकारियों से वेतन भुगतान के लिए गुहार भी लगाई, लेकिन अभी तक वेतन नहीं मिला, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोगों का 5वां महीना चल रहा है, हमारा 5वें महीने से पेमेंट नहीं है, अगस्त के महीने से अभी तक भी। और ठेकेदार कहते हैं करना तो करो, नहीं अपने घर जाओ, मैं तो ऐसी पेमेंट डालूंगा। और 3-3, 4-4 महीने में 1-1 महीने का पेमेंट डालते हैं। मतलब भुगतान तुम लोगों का तनख्वाह का अभी तक नहीं हुआ? नहीं हुआ, अगस्त के महीने से अभी तक कोई भुगतान नहीं हुआ हमारा। यहाँ पे कितने कर्मचारी हैं सफाई? हम 4 कर्मचारी हैं, 2 जेंट्स हैं, 2 लेडीज हैं। तो तुमने कहीं और शिकायत की इसकी? हमने सब जगह शिकायत कर ली है, कलेक्टर साहब के हैं, मंत्रियों से भी, विधायकों से, सभी से शिकायत कर ली है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो ये ठेकेदार कौन है जो पेमेंट डालता है? हमारा ठेकेदार है रवि व्यास। कहाँ का है? जी मुरैना के रहने वाले हैं, अभी तक कोई पेमेंट नहीं किया इन्होंने। अच्छा, मतलब 5 महीने से कोई तनख्वाह, कोई सैलरी नहीं मिली? नहीं, अभी तक कोई सैलरी नहीं है। हम हॉस्पिटल में काम करते हैं, 3 दिन हो गए, 3 दिन से काम नहीं किया, बंद कर दिया है। 3 दिन से क्योंकि हमारा वेतन नहीं आ रहा है, हम बहुत परेशान। अच्छा, वेतन नहीं आ रहा है और सब कुछ शिकायत कर दी हमने, जहाँ तक हम पे व्यवस्था बनाने थी, जहाँ तक सब जाए। मतलब आपकी कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं, परेशान है, हम बहुत परेशान है, हमें बच्चों तक को परेशानी है, हमारे क्या खाना पीना कहाँ से करें जमीन पर। और दूसरी बात, यहाँ पर साफ सफाई पूरी बुरी तरह से गंदगी फैली है पूरे हॉस्पिटल में। मैंने फिर सफाई कर्मचारी पूछा तो उन्होंने ये कहा कि हमको 5 मिनट तनख्वाह नहीं मिली, इसलिए हम काम नहीं कर रहे हैं। 2-3 दिन से सफाई काम बंद है, तो शौचालय पानी नहीं है, लेटर बिल्कुल बंद है, शौचालय के लिए महिलाएं बाहर जा रही हैं खुले में। तो आपने इसके लिए कोई शिकायत की कहीं? मैंने डीओ से बात की, मैंने इनका पेमेंट क्यों नहीं, सफाई क्यों नहीं हो रही है, मैं करवा रहा सफाई। और मैंने सीएमएचओ से ही बात की, एसडीएम साहब से ही बात की मैंने। उनका क्या कहना था? उनका कहना है कि आजकल में हम काम चालू करवा दे, सफाई हो जाएगी, आप टेंशन ना पालें, सफाई में करवाएंगे हम। पिछले 2 दिन से सफाई कर्मी काम नहीं कर रहे हैं और सुनने में ये आया, उनके द्वारा बताया कि साहब हमारा 3-4 महीने का पिछला मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है, इसलिए उन्होंने काम करना बंद कर दिया है, इसलिए ये 2 दिन की गंदगी है वो दिख रही है। तो इस पर आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? मेरे द्वारा संबंधित क्या भुगतान संबंधी जो ठेकेदार है, जो कर्मचारी है जो सफाई का काम करते हैं, वो ठेकेदार के माध्यम से करते हैं, तो ठेकेदार के लिए चिट्ठी लिख दी है, पर्सनली मोबाइल से उस पर बात भी कर ली, मैंने 2-3 बार बात की, सब लगातार संपर्क में है, अभी मॉर्निंग में भी 2 बार बात कर चुका हूँ। और 2-3 दिन पहले हमारे सीएमएचओ आए थे, उनको भी ये चीज अवगत करा दी गई थी और उनके लिए भी मैंने पत्र लिख दिया है कि इनका तत्काल समाधान करें, मतलब इनका भुगतान करें ठेकेदार का, और ठेकेदार भी उनको भुगतान करें, जल्दी जल्दी ये समस्या है जो सफाई की वो खत्म हो।